D'accord. Voilà. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं उठा हुआ, जैसे कि आपने देखा कि मैं बाहर गाँव गया था शादी के लिए, ट्रेन में सफर किया। तो वहाँ पर मतलब मैंने जो कि आपने देखी वो मैंने शादी की वीडियो डाली है, हल्दी के दिन की। उतनी ही वीडियो बना पाया था मैं। हाँ, तो आपने देखा कि वो मैंने सिर्फ जो कि हल्दी के दिन की वीडियो डाली, उतने भी ब्लॉग बना पाया मैं, वहाँ पर दादा ने बना पाया। तो फिर मैं कल के दिन आ गया था घर पे, जो कि हल्दी हमने शादी वगैरह अटेंड किया। और फिर हम 2 बजे आए प्लेटफॉर्म पर, तो देखा तो गाड़ी लेट हो गई थी हमारी, ट्रेन मतलब 3 बजे ट्रेन आई हमारी। हाँ 3:30 बजे ट्रेन आई हमारी। तो फिर ट्रेन में बैठे वहाँ पर, फिर और एक बार ट्रेन रुकी, वो कौन सा तो स्टेशन है वहाँ पर रुकी, कौन सा माइज स्टेशन पर रुकी। वहाँ पर 1 तास मतलब 1 घंटा ट्रेन वहाँ पर रुकी, क्योंकि जो कि पास करने थे, 4 ट्रेन पास करने के थे। तो 4 ट्रेन पास हुई तभी हमारी ट्रेन निकली, फिर हम घर पर आए। तो अभी मस्त मैं घर पर आया, फ्रेश वगैरह हुआ, अभी बज गए फिर 7:30 बज गए। तो अभी जल्दी से उठता हूँ, फ्रेश वगैरह होता हूँ, फिर अपने अपना काम जो कि दुकान पर जाना आना, खाना खाना, बस इतना ही रहता है ब्लॉग हमारा। तो सोमवार के दिन हम जाएंगे अलग जगह पर जाएंगे घूमने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, तो इसलिए बने वीडियो पर। हाय मैक्स, चुपला उठा था दिल्ली दिन नोट पन्ना अच्छी मतलब पर अरे नोट दिल्ली हाँ पन्ना अच्छी कोरी वाली नोट दिल्ली पारी भी करे तो फ्रेश हो जाता हूँ, फिर दुकान पर जाएंगे। गाइस मैं अभी फ्रेश हो गया, तो अभी जल्दी से निकलते हैं दुकान पर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना, 8:30 बज गए, 9 बज जाएंगे वहाँ पर जाते जाते। आई बात बोलेगा दुकान पर मिलते हैं। सो गाइस मैं अभी दुकान पर आ गया, अभी मस्त साफ सफाई कर लेता। देखिए पूरी मतलब पूरी गंदगी हो गई यहाँ पर, मतलब 2 दिन से आया नहीं ना, पूरी गंदगी हो गई यहाँ पर। देखिए गाइस पूरा कचरा कचरा हो गया, सब सब गंदगी करे ऐ डॉली। गाइस मैंने सब अपना मतलब काय हो गया रे साफ सफाई कर ली। तो देखिए मेरा दोस्त आया है, इसका आज हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। तो कोई पार्टी कुछ बोलना चाहता है यूट्यूब के लिए, तो देखिए क्या बोलेगा। बोल रहे भाई भाई का चैनल है, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और मतलब जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दो। और अभी बस ना गाइस अभी बज गए 11:30। तो देखिए मेरा दोस्त आया है, अभी मेरे गाड़ी में पेट्रोल डाल के लाएगा, क्योंकि मेरा बहुत सर दुख रहा है, इतना सर दुख रहा है ना, तो मैं नहीं जा रहा हूँ, वही जा रहा है पेट्रोल डालने के लिए। अभी इसने पेट्रोल डाल दिया, अभी निकलते ही घर पर, क्योंकि बहुत सर दुख रहा है मेरा। अभी मस्त घर पे जाता हूँ, रेस्ट करता हूँ थोड़ा सा, फिर दुकान पर आऊंगा। तो निकलते ही घर, मैं भी घर पर आ गया, तो मस्त फ्रेश हो जाता हूँ, फिर एक गोली लूंगा, क्योंकि बहुत सर दुख रहा है ना मेरा। तो मैं कल से मतलब मैं बाहर गांव से आया ना, जो कि शादी से, तब से मेरा बहुत सर दुख रहा है, क्यों मालूम नहीं क्यों दुख रहा है। तो मस्त फ्रेश हो जाता हूँ, खाना वगैरह खाऊंगा, फिर बोल लूँगा मम्मी जो अपना जो कि कपड़े धो रही है, तब तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ। मैं फ्रेश भी हो गया, अभी मस्त मम्मी जी रोटी वगैरह बना रही है, तो मैं क्या बना देगा, 10 में 10 बना देगा। मम्मी जी मस्त पराठे बनाएंगे अभी, तो पराठे खाएंगे एकदम मस्त, तेला सा मेथी के पराठे। तो मेथी के पराठे, अः भाई मेथी के पराठे नहीं गए भाई, नहीं भाई पराठे पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं, खाता ही नहीं हूँ, करायची भी नहीं आते पराठे, कड़ू कड़ू लागतो ना पूर्ण, डाळीचे पीठ असते बोलते बोलते काय सांगते। तो क्या हुआ मालूम नहीं, बरं वाटत नाही का, डोकं दुखतंय, दाबून देऊ का दीदी का, दीदी भी बीमार हो गई, दीदी का भी सर दुख रहा है, कल के दिन मेरा दुख रहा था, मतलब अभी दुख रहा है, तो मैंने गोली लाई ना, तू क्या देखा थी गोली माँ, हाँ दादी गुंदे नहीं पापा आंदा है गोली, तो पापा जी मेरे लिए नहीं दीदी के लिए को टेबलेट ला रहे हैं, क्योंकि दीदी का भी सर दुख रहा है ना, तो थोड़ा सा दवा देता हूँ उसका भी। अरे करू देना नहीं, कोई वीडियो मत कर, तू दो गोला बना रही माँ, नहीं वीडियो ना करो।
पापा जी भी आ गए और मम्मी जी ने खाना भी तैयार कर दिया। ज्योत मैक्स बता हरामी हो बेटा। हाँ जा शंपा तो देखिए गाइस थेपला गरम गरम एकदम रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जो कि पराठा कौन सा पराठा है यार, कोतंबीर का पराठा जो कि दशमी है और इसको पराठा बोलते हैं। जल्दी दिला पापड़। चलिए मुस्ता खाना खा लेता हूँ। क्या खाना हो गया दीदी जी, वहाँ पर बेटी है और मम्मी जी वहाँ पर जो कि खाना बना ही रहे अभी तक। इतना टाइम लगता मैं भी उठ गया तो भी मस्त। मम्मी जी ने मेरे लिए चाय रख के दी क्योंकि मेरा बहुत सर अभी भी दुख रहा है, गोली लेने के बाद भी सर दुख रहा है मेरा, पता नहीं क्यों दुख रहा है। चाय पी लेता तो गरम गरम दूध अच्छी गिलेगा। कितने दिन से मेरा सर दुख रहा है, दीदी का भी बहुत सर दुख रहा है, पहले चाय पी लेता हूँ देखता हूँ कैसा लगता है कैसा नहीं। मैं भी फ्रेश हो गया तो भी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, गोली मतलब मुझे अभी असर हुआ उसका, अभी मेरा सर दुखना थोड़ा बंद हुआ। तो भी जल्दी से निकल दूंगा दुकान पर, 3:30 बज गए ना तो टाइम हो जाएगा, मेरा दोस्त आने वाला है उसका भी हेयर कट करना है मुझे। दुकान पर आ गया तो अभी मेरा जो कि दोस्त आने वाला है उसका हेयर कट करना है मुझे, तो आपको दिखाऊंगा उसको कैसा हेयर कट करना है कैसा नहीं, तो वीडियो पर बने रहे। तो अभी आता ही हूँ रस्ते में हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा दोस्त आने वाला था, आ गया, हाय कर रे, हाय बाय। कुठे कळे रे शिकायला जात होता का घोडा हे करत होता रे लवकर और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ उसका। तो इसको टाइम हो रहा है, इसको जाना है, कुछ आए थे इसकी सोड़े की शॉप है मतलब गाड़ी है तो आप जा सकते हैं। कौन कोल्लेनगर कोल्लेनगर पे जो मेन जो रोड है ना वहाँ पर इसके गाड़ी थे, आपका कभी भी जा सकते हो और पी सकते है। मेरी तरफ से इसको सिर्फ 10 रुपए में मिलेगा। अरे कहना क्या चाहते हो, तो 10 रुपए में मिलेगा तो जा सकते हो। ये होगा 8:30 बज गए, फिर जल्दी से घर पे जाता हूँ क्योंकि कल के दिन संडे है ना तो जल्दी आना पड़ेगा। तो अभी जल्दी से जाता हूँ घर पे, खाना वगैरह खाऊंगा और सो जाऊंगा क्योंकि लेट हो जाता हूँ ना, तो निकल दे घर पर। मैं भी घर पर आ गया और मम्मी जी भोजन की तैयारी कर रही, दिखाता हूँ आपको। मम्मी जी मस्त आलू वगैरह छिल रही एकदम भारी, सो जाता हूँ मस्त फिर बोलेंगे। गाइस हमारा खाना तैयार हो गया है, पड़ेगा ये मैक्स के लिए और ये मेरे लिए जो कि पराठे की सब्जी लगता है मेरे को। दीदी भाई भाई ए बोरी बड़ा मैंने खाना ले लिया, मस्त खाना खाते फिर वीडियो स्टॉप कर देंगे। तो गाइस मेरा खाना हो गया और मम्मी जी का खाना बाकी। गाइस मम्मी जी का खाना बाकी, मम्मी जी खाना खाते। गाइस आज मेरा इतना सर दुख रहा था, बहुत सर दुख रहा था तो इसीलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बना पाया आज, क्योंकि बहुत ही मतलब दुकान पर भी गया वहाँ पर भी कुछ इतने कस्टमर थे आज, तो बैठा रहा उसमें और दुखने लगा, मतलब लिटरली मतलब दिन भर मेरा सर दुखा। थोड़ा सा मुझे शाम को दुकान पर जाने से पहले मुझे अच्छा लगा पर वापस दुकान पर गया वापस दुखने लगा। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा हुआ, तो बस आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। तो आई होप मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।